आजकल बरसातों का मौसम है तो हमारे यहाँ बड़े सारे घोंगे हो रखे हैं जिन्हें हम स्नेल्स कहते हैं। तो रात को शाम को कहीं निकलो तो ऐसा लगता है कि किसी माइन फील्ड से हम गुजर रहे हैं। तो जितना मर्जी देख के निकलो कि किसी पे पैर ना आ जाए, किसी ना किसी एक पे पैर आ ही जाता है और ऐसे चटक करके आवाज होती है और मन में टीस सी उठती है कि हाय हमसे क्या पाप हो गया। तो अब है क्या कि इनका हल्का सा क्रैक हो तो प्रकृति इनको अपने आप रिपेयर कर देती है, पर अगर हल्के से भी थोड़ा भी ज्यादा क्रैक हो तो फिर ये डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं, इनका शरीर का पानी निकलना शुरू हो जाता है और इनको जीते जी और घोंगे और चींटियां खाना शुरू कर देते हैं और इनकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। तो मेरे पैर के नीचे अगर कोई घोंगा आता है तो मैं थोड़ा आसपास देखता हूँ कि कोई है तो नहीं, और कोई नहीं होता तो जोर से पैर मार के मैं उन्हें ख़त्म कर देता हूँ कि भाई मुझसे ठीक है, ये चोट तो लगी इन्हें पर कम से कम ये तड़प के ना मरे, इतना मेरे हाथ में है। आसपास मैं देखता इसलिए हूँ भाई कोई हो तो मैं उसको समझा दूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसी तरह हमारे यहाँ एक डॉग आया हुआ था पिज्जा, उसका बहुत बड़ा ट्यूमर था तो हमने उसकी सर्जरी कराई, सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से चल रही थी, उसका मनोबल भी बढ़ना शुरू हो गया था, पिछले लाइव वीडियो में वो पूंछ वगैरह भी हिला रहा था। फिर अचानक उसका ट्यूमर वापस बढ़ना शुरू हो गया, उसकी जांच हमने कराई तो पता चला उसका जो कैंसर है वो अंतिम चरणों में है और वो ठीक नहीं हो सकता। अब कैंसर का क्या है कि ऐसा लगता है कि जीते जी चूहे आपको अंदर से खा रहे हैं। तो इतनी दर्दनाक मौत से अच्छा हमें लगा कि हम इसको यूथनाइज कर देते हैं। यूथनाइज करते हैं, एक इंजेक्शन लगता है, वो एक गहरी नींद में चला जाता है जिससे वो कभी वापस नहीं आता और वो 60 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। देखिए बड़े लोगों ने कहा कि किसी की जान लेने का आपको क्या हक है। मैं इस सवाल का जवाब एक और सवाल से देना चाहूंगा कि जब हम रोज अपने खाने पीने की दौड़ में लगे होते हैं, जब हम अपने कपड़ों का इंतजाम करते हैं, हम अपने रहने का इंतजाम करते हैं, हम यहां से वहां भागते हैं, हम कंज्यूम 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 करते हैं, तब भी तो हम इतने जीवों की हत्या कर रहे होते हैं। चाहे हम वीगन भी हों तब भी हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, केचुए मरते हैं, चूहे मरते हैं, तेल के लिए माइनिंग होती है, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं पे हम किसी ना किसी को दर्द पहुंचा रहे हैं और हम मार रहे हैं, तब हमारी नैतिकता कहां जाती है। पर हां, जब हम किसी को अपने स्वार्थ के लिए नहीं उसके आराम के लिए मार रहे हैं कि है वो बेचारा तड़प तड़प के मरेगा, उसको एक आराम की मौत देते हैं, तभी क्यों हमारी नैतिकता जागती है। जब हम दूध पीते हैं तो हमारी नैतिकता कहां जाती है, जब हम मीट खाते हैं तो हमारी नैतिकता कहां जाती है। खैर वापस मैं पिज्जा की बात पे आता हूं, तो पिज्जा यहां इतने टाइम तक रहा, हमने उसका इतना ध्यान रखा, जाहिर सी बात है हमें उससे लगाव सा था, तो यह फैसला हमारे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। पर यह फैसले ये देख के लिए जाते हैं कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, ना कि ये आपको कैसा महसूस कराएगा। तो अगर मैं पिज्जा की जगह होता मैं भी यही कहता कि मुझे महीनों तक तड़पाने से अच्छा है कि तुम मुझे इंजेक्शन लगा के मार दो।